हेलो नमस्कार, आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर का एक होम रेमेडी लेके आया हूँ जो कि बहुत अच्छा काम करता है। आपका सर्दी बुखार जुकाम कुछ होता है ना, गले का दर्द वगैरह सबको हटा के लेता है और आपके बॉडी को बहुत इम्यूनिटी देता है जिससे आपको सर्दी खांसी वगैरह होगा ही नहीं। तो दिन में एक स्पून तो आप पी ही सकते हैं। अगर आपको खांसी वगैरह हो रहा है तो आप दिन में तीन स्पून भी पी सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए अदरक। अदरक को आपको अच्छे से छीन के उसको कद्दूकस कर लेनी है, नहीं तो आपको उसको कूट लेनी है। हम लोगों को अदरक का जूस चाहिए तो आपको जो इजी लगता है आप वैसे निकालिए। तो एक तो आप कूट के उसको रस निकाल सकते हो, नहीं तो कद्दूकस करके भी उसका रस निकाल सकते हो। तो अभी हम लोग इसमें हनी डालेंगे। तो घर में आपका जो भी शहद होता है, जिसको हम लोग शहद बोलते हैं, हनी बोलते हैं, मधु बोलते हैं, क्या क्या सब नाम होता है, बट शहद से सबको ही पता होता है। तो जो शहद होता है वो भी हम लोगों को चाहिए। इसका मेज़रमेंट कैसा रहता है, सब में से आपको एक एक स्पून लेनी है। अगर छोटी स्पून से आप मेज़र कर रहे हो तो सबसे एक एक स्पून लेनी है, नहीं तो बड़ी से कर रहे हो तो एक एक स्पून लेनी है। तो पहले हम लोगों को इसको निचोड़ के अदरक का रस निकाल देते हैं, उसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो एक कोई भी एक बाउल ले लीजिए, कोई भी कटोरी ले लीजिए, उसमें हम लोग अदरक का रस निकालेंगे। और निचोड़ने के बाद जो अदरक रहा उसको फेंकिएगा मत, आप उसको चाय बना के आराम से पी सकते हैं ये वाले को। तो बस मैं उसको साइड में रख रही हूँ, मैं बाद में उसको चाय बनाती हूँ। तो अभी हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट जाएगा लेमन। लेमन बहुत ही अच्छा एक सुपर फ्रूट है, जिसको हम लोग सुपर वेजिटेबल भी बोल सकते हैं, जो कि हमारा विटामिन सी में से भरपूर होता है। तो अगर आप लेमन डालते हो तो आपका जो खांसी और गले में खचखच रहती है वो सारे निकल जाएगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। दिन में तीन बार आप पी के देखिए और आप मुझे बिल्कुल ज़रूरी इसको बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा रेमेडी है। तो बस एक स्पून हम लोगों ने जिंजर लिया, एक स्पून लेमन लिया और एक स्पून का शहद लेंगे। ये तीनों हम लोग ले रहे हैं। अगर आपके घर में तुलसी है ना, तुलसी का पत्ता, उसको भी आप थोड़ा सा कूट के उसका भी जूस एक स्पून ले सकते हो, मगर यहाँ पर मेरा तुलसी का पत्ता है नहीं तो मैं नहीं ले पा रही हूँ। तो अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाएंगे, हल्दी का पाउडर होता है ना, उसमें से पिंच भर का डालना है। तो हल्दी भी बहुत अच्छा रेमेडी है, होम रेमेडी है, जो कि सर्दी खांसी वगैरह को पूरा हटाती है और आपके बॉडी से कुछ इन्फेक्शन वगैरह है तो उसको हील करने के लिए बहुत हेल्प करती है। तो हल्दी को भी हम लोग एक स्पून मिलाएंगे। तो बस हो गई आपकी प्यारी सी गाढ़ा। इसको दिन में तीन बार आप आराम से पी सकते हो जब आपको खांसी है, और अगर कुछ भी है नहीं तो दिन में एक स्पून तो पी ही सकते हो। मगर इसको ना क्रश करके रखिएगा मत, क्योंकि वो रखने से उसका जो भी प्रॉपर्टी होता है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको जब भी चाहिए तुरंत बना के पी लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने इसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया। तो बन गई हमारी गाढ़ा। तो बताइए मुझे रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।